जय हिंद दोस्तों। आज मैं 10 कॉमन इरर्स के सवाल जो आपके सामने लाया हूँ वो CDS 2021 में पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन जो कई वीडियोस में मैंने देखा है वो गलत तरीके से किया गया है, तो आज ऑथेंटिक तरीके से ये सारे कॉमन इरर के प्रश्न का आप आंसर देखेंगे और साथ ही साथ हर प्रश्न के लिए 10 सेकेंड का टाइम आपको भी दिया जाएगा कि आप भी कोशिश करें साथ। दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाऊं इसके पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट कर दूं कि वो एस्पिरेंट्स जो CGL मेन की तैयारी कर रहे हैं या CPO मेन की तैयारी कर रहे हैं, अब दोनों का एग्जाम लगभग एक ही साथ होगा जनवरी फरवरी में। CGL प्री का भी आंसर सीट आ गया है तो मेन की तैयारी में बच्चे लग गए होंगे, तो इन दोनों के लिए अलग अलग एक्सक्लूसिव बैचेज मैंने बनाया है। दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस और CGL में पैटर्न्स भी चेंज हो गया है, तो उसके अनुसार दोनों को सेपरेट कोर्स में मैंने इसलिए रखा कि ताकि जो मॉक टेस्ट मैं कराऊं तो दोनों के लिए अलग अलग पैटर्न्स पे जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है उसी पैटर्न पे आपको लेके चलूं। तो आप आवश्यकता अनुसार जो CPO की तैयारी कर रहे हैं CPO के मेन के पैकेज को इनरोल करें और CGL वाले CGL में इनरोल करें। दोनों पैकेजेज मैंने बना दिया है CGL मेन का और CPO मेन का। दोनों के लिए ड्यूरेशन मैंने कोर्स का रखा है 6 महीना अनलिमिटेड वॉच। और कोर्स के साथ साथ बेहतरीन रिवीजन के लिए बुक्स भी आप अवश्य प्राप्त करें। देखिए कॉमन एरर किसी भी एग्जाम का पूछा गया है आपको इक्वली बेनिफिट देगा चाहे आप किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो। तो पहला जो कॉमन एरर का सवाल है ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। अब इसमें सुविधा के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने जो एरर बताया है वो गलत तरीके से बताया है, तो आप सोचिए कि इसमें क्या गलती है। बहुत लोगों ने देखा कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन के लिए फॉर लगा दें या फिर सिंस लगा दें, ऐसा करके एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन दोस्तों टाइम एंड टेंस जब आप पढ़ते हैं तो टाइम के अनुसार टेंस को बदला जाता है। अगर यहाँ पे 1990 नहीं है 1990s है, 1990s का मतलब हुआ 1990 के दशक में, तो 1990 के दशक में वह फिजिशियन का काम कर रहा था, तो इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत लोगों ने सिंस लगा दिया है। सिंस 1990 होता एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो तब सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर एक्सप्लेनर जो हैं, ज्यादातर टीचर्स जो हैं, वहां पे यहां पे सिंस का प्रयोग कर दिए हैं। अच्छा आप जरा देखिए कि इस पार्ट में इस चंक में जो टाइम बता रहा है इसमें गलती क्या है। ड्यूरिंग द 1990s, 1990 नहीं है, 1990 होता तब सिंस हम लगा देते, लेकिन ड्यूरिंग द 1990s है यानी कि 1990 के दौरान वह काम कर रहा था, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम बना ही नहीं है और सिंस लगाने से भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बन पाएगा। तो इस ड्यूरेशन के लिए हमें यहाँ पे इस टाइम को देख के टेंस बदलते हैं, तो यहाँ पे हैड बीन डूइंग जो है इसके जगह पे पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य सही हो जाएगा। क्या आपने भी यही बनाया है? दूसरा सवाल पलक झपकते आप बना देंगे। आपको पता है कि ही सेड दैट ही प्रेफर्ड, तो ये पास्ट में है मेन क्लॉज का भाग, तो इधर भी पास्ट में है, लेकिन प्रेफर के साथ जो हम लगाते हैं वो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं देन का नहीं, तो यहाँ पे गलती है। इसमें देखिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये हम बार बार पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ऑल दोनों लेता है, प्लूरल वर्ब भी और सिंगुलर वर्ब भी, लेकिन ऑल दैट ग्लिटर्स यहाँ ऑल का मतलब होता है सभी चीजें, एवरीथिंग। ऑल का मतलब यहाँ एवरीथिंग हो गया, ऑल का मतलब यहाँ एवरीथिंग है, जैसे ऑल इज वेल बोलते हैं तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज वेल, तो ऑल का मतलब जब एवरीथिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स के साथ जैसे यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगा है यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर ही होगा, यानी कि गलती इस सी पार्ट में था। साथ में आप भी बनाते रहिएगा, बताइए इसमें क्या गलती है। अ स्पीसीज इज कंसीडर्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड, तो इसमें गलती जो हुआ है आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या गलती है। ये जो रिस्क है ना, ये रिस्क वर्ड के साथ जो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं वो एट लगाते हैं, बोलते हैं ना एट रिस्क, एट स्पीड, तो कुछ खास वर्ड के साथ खास प्रीपोजिशन को कोऑर्डिनेट किया जाता है। चलिए इसमें पांचवा में देखिए आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल, इसमें क्या एरर है जल्दी से बताइए। 5 सेकेंड से ज्यादा का टाइम नहीं लीजिए। तो आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी, हमारा जो महानता है इस बात में नहीं है कि कभी हम गिरे ही नहीं, इस बात में है कि जब भी हम गिरे तो हमें एवरी हर बार हमें राइज करना है, उठना है,
तो हर बार रिपीटेडली एक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे फेल जो है ये गलत है। यहाँ पे हमें रिपीटेशन जहाँ पे हो रहा है वहां पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो फेल की जगह फर्स्ट फॉर्म फॉल का प्रयोग करिए। सिक्स में देखिए, इसमें बताइए क्या एरर है। लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड्स, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि एन लिखा है तो ए एन के बाद वन का ही तो वीकर फॉर्म है, तो इसके बाद हमें सिंगुलर नाउन चाहिए था, तो यहाँ मोड्स की जगह मोड होगा, सिंपल कॉमन एरर हुआ है। इसमें देखिए, द मैटर वाज बीन रिजॉल्व्ड, तो वाज बीन रिजॉल्व्ड कोई टेंस का सिंटेक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे पास्ट में चुकी दिया हुआ है तो पास्ट में ही हमें इसको सही करना है। द मैटर हैड बीन रिजॉल्व्ड After long deliberation, अब after यहाँ conjunction नहीं है, ये आगे जितना भी लिखा हुआ है ये phrases हैं, clause नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ये गलती हुआ है कि यहाँ पे passive में बनना चाहिए और यहाँ पे was been की जगह यहाँ पे होना चाहिए था had been resolved, ये हमारा सही है। syntactic गलती है। अब इसमें देखिए, care has been taken, तो care abstract noun है, singular verb लेता है, ये इसका जो subject है, सब्जेक्ट में हम तीन चीज देखते हैं ना, जेंडर, नंबर और वॉइस, तो ये नॉन डूअर है तो इसका वॉइस पैसिव में ही होना चाहिए, सही है, नंबर भी सही है, लेकिन यहाँ पे है कि टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना है, सेफ्टी और सिक्योरिटी पार्टिसिपेंट्स का, किसका सेफ्टी सिक्योरिटी, तो पर्टिकुलराइज हो गया, स्पेसिफिक हो गया, तो यहाँ पे द लगाना चाहिए था, डिफिनिट हो गया ना, किसका सेफ्टी, पार्टिसिपेंट्स का, तो द सेफ्टी ऑफ, तो यहाँ पे आर्टिकल्स मिसिंग था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जरा जल्दी से बताइए, आसान सी गलती है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द, तो याद रखिए कि ऑफ के पहले जब भी संख्या दिया हो, ए एन वन टू थ्री फोर मेनी सेवरल फ्यू, तो ये सिलेक्शन बताते हैं, और सिलेक्शन के लिए नाउन जो होगा प्लूरल में होगा, तो यहाँ पे सिंबल्स होना चाहिए। उम्मीद है ज्यादातर गलतियां आप आसानी से पकड़ पा रहे होंगे। इट इज स्टिल ट्रू दैट इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मानसून, यह अभी भी सत्य है। तो इसमें कि अभी भी कि भारत का इकोनॉमी जो डिपेंड करता है मानसून पे करता है, हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादातर एक्सप्लेनर जो है इसमें बताए हैं कि ये नो एरर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कई बार क्या होता है, जो लिमिटिंग मॉडिफायर होता है ना, उसका प्लेसमेंट जो है वो गलत तरीके से होता है, तो जो सत्य होता है वो हमेशा के लिए सत्य होता है, अभी भी सत्य है और सत्य बाद में झूठ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सही ये होना चाहिए था कि इट इज, गलती तो इसी पार्ट में है, ए पार्ट में, लेकिन ज्यादातर एक्सप्लेनर ने इसको नो एरर में रखा है। तो स्टिल का मतलब हुआ कि अभी तक सत्य है और बाद में ये झूठ हो जाएगा कुछ समय के बाद, जो सत्य है वो इरिवोकेबल होता है, अकाट्य है, यहाँ पे ये मॉडिफायर की जरूरत नहीं थी। ये मॉडिफायर अगर लगाते भी तो यहाँ लगाते कि यह सत्य है कि भारत की इकोनॉमी अभी भी मानसून पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे स्टील का प्लेसमेंट जो है वो उसी वर्ड के पहले लिमिटिंग मॉडिफायर होता है जिसको क्वालिफाई करता है, यहाँ होना चाहिए था, तो स्टील का प्लेसमेंट यहाँ गलत है। तो दो क्वेश्चन है जिसको सारे लोगों ने एक्सप्लेन जो किया है वो गलत तरीके से किया है, तो ये पहला और दसवां, इसका नो एरर नहीं होगा बल्कि स्टील का प्लेसमेंट गलत है, यह अभी भी सत्य है। तो क्या ऐसा होता है कि जो सत्य होता है वो कुछ साल, महीना, दशक या सेंचुरी के बाद असत्य हो जाएगा? कभी नहीं होता। तो इसका लिमिटिंग मॉडिफायर ये लिमिट यहां पे करेगा, यहां पे प्लेसमेंट होना चाहिए। कुछ ऐसे लिमिटिंग मॉडिफायर है कि जिस वर्ड के पहले आता है उसे भी मॉडिफाई करता है, जैसे इवन आपने पढ़ा है, टू पढ़ा है, ओनली पढ़ा है, उसी प्रकार स्टिल होता है। तो एरर यहाँ पे है, नो एरर ज्यादातर लोगों ने बताया। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, अगर आपको 100% मार्क्स सिक्योर करना है इंग्लिश में, तो एक्सक्लूसिव कोर्स पढ़िए, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का, कंप्लीट वोकैबुलरी का, ट्रांसलेशन का, रिटन का, प्रैक्टिस का, और साथ ही साथ हर कोर्स का बुक भी प्राप्त करिए। श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, या 9599614791 पे कॉल करके पूरा डिटेल प्राप्त करिए।